जी बेटा, सो लास्ट लेक्चर आई थिंक तव्हांखे स्लाइड्स रिकॉर्डिंग्स सभई मिली वई हूंदियूं। फाइन, नाउ ठीकु आहे बेटा, सो ही असां लास्ट लेक्चर जेको आहे हिते स्किप कयो हो। ठीकु आहे बेटा, सो हमने लास्ट लेक्चर जो है यहाँ पे स्किप किया था कि पेनिट्रेशन ऑफ ई कंटेंट्स इन लाइब्रेरीज। पेनिट्रेशन से मुराद क्या, कि एक लाइब्रेरी में ई कंटेंट्स की, ई एसेट्स की पेनिट्रेशन हो जाना। पेनिट्रेशन मतलब फैल जाना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, बहुत ज़्यादा डिमांड होना किसी चीज़ की, दैट इज़ कॉल्ड द पेनिट्रेशन। ठीक है, अब लाइब्रेरी है हमारे पास मैनुअल लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे ई कंटेंट्स की ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो गई और उसके जो एसेट्स हैं वो फैलना शुरू हो गए। उसके जो पब्लिकेशन टाइप हैं वो कैसे फैलना शुरू हो गए हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के जो फॉर्मेट्स हैं ई कंटेंट्स के वो कौन कौन से हैं जिनके बिना पे जो है लाइब्रेरीज ई कंटेंट्स को ही ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है, अपनी लाइब्रेरी पे इम्प्लीमेंट करवा रही है, ई लाइब्रेरी स्टार्ट कर रही है, उसकी प्रैक्टिसेस अमल में ला रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? यकीनन यूज़र की डिमांड ज़्यादा हैं, उस वजह से वो उनको अडॉप्ट कर रही है। नाउ पब्लिकेशन टाइप, पब्लिकेशन टाइप्स मतलब कौन कौन से क्या कहते हैं कि पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी पब्लिकेशंस ला रही है अमल में या लाइब्रेरीज़ को प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से लाइब्रेरीज़ में ई कंटेंट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब उसमें हमारे पास है ई बुक्स, यकीनन बुक्स जो हैं फिज़िकल फॉर्मेट थी, अब वो ई फॉर्मेट में आ गए। हमारे पास जो जर्नल्स थे वो ई फॉर्मेट में आ गए। उसके बाद हमारे पास जो है एग्रीगेटेड स्कॉलरली ई जर्नल डेटाबेसिस जो हैं ई जर्नल्स की, स्कॉलरली जर्नल्स की मतलब रिसर्च स्कॉलर्स वाले जो होते हैं उनके जो डेटाबेसिस हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल में आना शुरू हो गई। फिर उसके बाद डेटाबेसिस जो हैं उनका वजूद आ गया, CBT, WBT, इसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें आपको कंप्यूटर की जो है ट्रेनिंग दी जाए, उसकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाए, या जिसमें आपको वेब की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाए या उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो पब्लिकेशन टाइप्स इस तरह के जो है उनकी पेनिट्रेशन होना शुरू हो गई है लाइब्रेरीज़ में। पोर्टल्स ये सारे के सारे पोर्टल्स, जैसे आपके ई पोर्टल्स बने हुए हैं सिंध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो उसको पोर्टल्स बोलते हैं। और वॉर्टल्स जो होते हैं वो हमारे पास लाइक याहू है हमारे पास, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी माना हमारे पास एक पब्लिकेशन की टाइप हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा वॉर्टल से हमारे पास ये होता है कि हमें एक इजी अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसी भी हवाले से, चाहे किसी बंदे की हो, किसी डॉक्यूमेंट की हो, किसी भी हवाले से। अगर वॉर्टल जो है एक पब्लिकेशन का टाइप है, ठीक है ना, तो उस पर जो भी पब्लिश हुआ वह होगा वो हमें एक इजी अंडरस्टैंडिंग देता है, हमें इजी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। किसी भी कोई भी डीपली कोई भी कंटेंट होता है उसकी एक इजी अंडरस्टैंडिंग हमें जो है प्रोवाइड करे। या हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जहाँ पे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे वो जो है एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं या एक दूसरे के साथ मीटअप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वॉर्टल्स। और वेब पोर्टल जो होता है वो हमारे पास एक वेब पेज होता है, ठीक है, वेब पेज होता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डाइवर्स सोर्सेज की मदद से, जगह जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको एक जगह पे प्रोवाइड करे, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्टल्स। फिर उसके बाद पब्लिकेशन टाइप ये भी आ गया है हमारे पास कि वैल्यू एडेड सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज हमें मिल रही हैं जो बहुत वैल्यूबल हैं, ठीक है, तो ये भी पब्लिकेशन टाइप आ गया। फिर उसके बाद है प्री प्रिंट, ई प्रिंट, ई डॉक्यूमेंट। ई डॉक्यूमेंट आप जानते हैं, प्री प्रिंट का मतलब ये है कि रिसर्च पेपर छपने से पहले जो एक ड्राफ्ट पेपर आपको मिलता है, ठीक है, रिव्यू के लिए या क्या,
उसको हम कहते हैं प्री प्रिंट। तो ये भी पब्लिकेशन का टाइप वजूद में आ गया है, लाइब्रेरीज में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है लाइब्रेरीज ने। उसके बाद ई प्रिंट हमारे पास जो है वो एक डिजिटल जो है वर्जन होता है रिसर्च का, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उनका एक डिजिटल जो वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं ई प्रिंट्स। लेकिन प्री प्रिंट्स क्या होते हैं, वो हमारे पास रिसर्च पेपर का जो एक ड्राफ्ट पेपर होता है या हम कहें कि हाइपोथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं प्री प्रिंट। ठीक है, फिर उसके बाद ई डॉक्यूमेंट्स, तो आप जानते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो ई फॉर्मेट में हो दैट इज़ कॉल्ड द ई डॉक्यूमेंट। तो ये सारी की सारी पब्लिकेशन टाइप्स जो हैं लाइब्रेरीज अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू कर दी हैं। उसी वजह से जो है ई कंटेंट्स की पेनिट्रेशन या ई कंटेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहे हैं लाइब्रेरीज में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जस्ट अ मिनट जी जी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स। सो अब डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से फॉर्मेट आ गए हैं, जैसे ई बुक हैं, ई जर्नल से जाहिर सी बात है वो किसी न किसी फॉर्मेट में तो होंगे ना, डॉक्यूमेंट का उनका कोई ना कोई फॉर्मेट तो होगा ना। आपको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है या वेब बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है या आपके पोर्टल्स बने हुए हैं या वोटल्स बने हुए हैं या आपको वैल्यू एडिड सर्विसेज दी जा रही हैं या प्री प्रिंट्स ई प्रिंट्स या ई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास या स्कॉलरली डेटाबेसेस हैं, जर्नल्स हैं आपके पास, ई जर्नल्स हैं, दीज ऑल आर द पब्लिकेशन टाइप्स। ठीक है, अगर आपको ये किसी न किसी फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं तो यकीनन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में ही होंगे, होंगे यकीनन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई फॉर्मेट तो होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब उसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं जिससे हम डेटा को रिट्रीव कर सकें, जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें, दिस इज़ अ ASCII। आपने यकीनन पढ़ा होगा ये, क्योंकि ICT में आपका ये जो है एक टर्म था, आपको असाइनमेंट मिली होगी उसकी। तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इट इज़ अ करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम करेक्टर को रीड आउट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड है जो इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। ठीक, नाउ सेकेंड इज RTF। RTF भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, फुल फॉर्म इसका बता दूँ तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवेलप किया ताकि आप किसी भी फॉर्मेट में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो आप उसको इंटरचेंज कर सकें, उसके लिए जो है ये एक फॉर्मेट बनाया गया। नेक्स्ट इज HTML। पहले HTML, HTML हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज आल्सो अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग व्हाट, फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो है HTML। नाउ द नेक्स्ट इज SGML, इट्स एन स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो एन स्टैंडर्ड। ये भी एक स्टैंडर्ड है, किस लिए कि हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर हाउ टू स्पेसिफाई अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई कैसे करना है मार्कअप लैंग्वेज में। तो ये भी एक फॉर्मेट आ गया जो HTML से लिंक्ड होता है। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट स्क्रिप्ट PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इनके मैंने फुल फॉर्म इसलिए बताया कि हो सकता है आपका ऑनलाइन एग्जाम हो तो मैं इनमें पूछ सकती हूँ आपसे। ठीक है, तो इतना आसान नहीं लेना अपने एग्ज़ाम्स को, इस दफ़ा बहुत ही अच्छा खासा जो है आपका एग्ज़ाम होगा, तो इस बात का ध्यान रहे कि आपको जो है अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। इस दफ़ा कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि आपको माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, सो अपनी तैयारी अच्छी रखिए। उसके बाद है ये मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है, दीज आर नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, लेकिन कुछ मैंने आपको सिलेक्टेड बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं। PDF है हमारे पास, प्रोपेट्री है, प्राइट्री है, उसके बाद नेटिव है, एप्लीकेशन फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं हमारे पास। फिर इमेजेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है लाइक डिजिटल प्रिजर्वेशन, जब हमारे पास होती है तो हम यकीनन अपनी रेयर कलेक्शन की पिक्चर्स निकालते हैं ताकि हमारे लिए एक अल्टरनेटिव हो जब भी हम उनकी जो है
ट्रीटमेंट करें या क्या, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेटिव पड़ा हुआ हो, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ जाता है, इमेजेस वाला आ जाता है, वो भी हमारे ई कंटेंट्स ही कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स में होती हैं, ऑडियो में होती हैं, इंफॉर्मेशन वीडियो में होती है, मतलब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद फिर XHTML, ये मतलब थोड़ा और अपग्रेडेड कहते हैं जैसे फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का। फिर ASP है, एक्टिव सर्वर पेज। और फिर उसके बाद PHP है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XML। तो इस किस्म के जो है, इनको रीड आउट करिए, थॉरली ना भी पढ़िए, लेकिन इनके फुल फॉर्म्स एटलीस्ट आपको आने चाहिए। ये सारे के सारे हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कोई भी अगर आपको कहीं भी पूछे कि व्हाट इज ASP, तो यकीनन आप कहेंगे इट्स अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, टू रीड द डॉक्यूमेंट थॉरली ब्रीफली, कोई भी आप जो है अपने हिसाब से इधर पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये जो है आप पे होता है कि आप कैसे उसको जो है उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको आने चाहिए इनके। तो ई पेनिट्रेशन का मतलब, ई कंटेंट्स की पेनिट्रेशन का मतलब ही ये है कि पब्लिकेशंस टाइप ई कंटेंट्स के कैसे हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स कौन से अडॉप्ट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लाइब्रेरीज में ज़्यादा ई कंटेंट्स ही आए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी क्लियर कर दी। नाउ इंफॉर्मेशन लैंडस्केप क्या मतलब है इसका, पहले पढ़ाया है मैंने। इंफॉर्मेशन लैंडस्केप इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है वो कौन से तरीके से आ रही है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो भी लाइब्रेरी में आ रही है वो किस तरह की है। यकीनन लाइब्रेरी है तो वहाँ पे हमारे पास डिजिटल भी होगी, हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि प्रिंट में भी होगी, और ऑटोमेटेड का जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। आप इसको उस बात से नहीं जोड़ सकते। आपके पास जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में आएगी वो प्रिंट और डिजिटल दो फॉर्मेट में होगी। इंफॉर्मेशन लैंडस्केप कैसे होगा, दो फॉर्मेट में होगा। ठीक, उसके बाद यह है कि मतलब इंफॉर्मेशन की आपके पास एक पिक्चर आएगी, वो ऐसे आएगी या तो प्रिंट में होगी या डिजिटल फॉर्मेट में होगी। अब वो हमारे पास इंटरनली भी जनरेट होगी, एक्सटर्नली भी होगी। ये दोनों इधर शो कर रहा है कि इंफॉर्मेशन लैंडस्केप मतलब प्रिंट या डिजिटल हो, लेकिन आपके पास इंटरनली भी होगी, एक्सटर्नली भी होगी। आपके पास इंटरनली भी आप जनरेट करेंगे और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लेंगे। अब इंटरनली कैसे करेंगे, आप अपनी लाइब्रेरी की रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, आप अपना कैटलॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी इंडेक्स बना रहे हैं। दीज ऑल आर द कंटेंट्स व्हिच आर जनरेटेड इंटरनली फ्रॉम योर लाइब्रेरी। बट एक्सटर्नल रिसोर्सेज कौन सी, एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक Z3 9.50 स्टैंडर्ड, उसकी मदद से आप जो है किसी का भी कैटलॉग ले लेते हैं लाइब्रेरी का। ठीक है, फिर उसके बाद OCLC है, फॉर एग्जाम्पल OCLC गाइडलाइन, OCLC इंफॉर्मेशन सॉरी क्या ऑनलाइन कंप्यूटर जो है जिससे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन या बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, बजाय इसके कि आप उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन करें और उनको जो है आप उनका कैटलॉग बनाएं, उनके DBC नंबर्स राइट डाउन करें, आपको वहाँ से ऑनलाइन तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस बुक के हवाले से मिल जाती है। तो दिस इज़ द एक्सटर्नली सोर्स। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनली भी मिलती है, एक्सटर्नली भी मिलती है। एक्सटर्नली ऐसे मिलेगी कि आप अगर हाइपरलिंक्स अपने यूजर को प्रोवाइड कर दें, वो उन पर क्लिक करके किसी भी लिंक पे जाके वहाँ से बुक्स जो है डाउनलोड कर सकता है। यकीनन आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, आप डिजिटल कंटेंट्स दे रहे हैं तो यकीनन आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको प्रिंट मटेरियल मिले या डिजिटल मिले, उसका एक्सेस जो मिलेगा आपको ओपन एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन लैंडस्केप का मतलब ही ये है कि जिसमें आपको ओपनली एक्सेस मिले, कभी भी कोई रुकावट ना आए। उसके बाद जब आपके पास इंफॉर्मेशन लैंडस्केप है तो इट मींस लाइब्रेरी 2.0 आपके पास हो गई, पैटर्न भी आपके 2.0 हो गए।
वो कैसे हो गए कि वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो आजकल के हिसाब से है, तो आपको अपनी लाइब्रेरी को भी 2.0 पे लाना होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, अब जब हमारे पास इंटरनली जनरेट हो रही है तो यकीनन आपके अपने प्रोसीजर्स होंगे, अपने प्रोसेसेस होंगे, आपकी डेटा इन्फॉर्मेशन अपनी होगी, मैनुअल्स होंगे आपके, आपकी रिपोर्ट्स होंगी। लेकिन जब आप एक्सटर्नली सोर्स ले रहे हैं तो वहाँ से आप बुक्स भी ला सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में एक्सटर्नली, ई बुक्स भी, जर्नल्स भी, ई जर्नल्स, डेटा बेसिस, पैटर्न्स और रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, दीज ऑल आर द एक्सटर्नली सोर्स। उसके बाद जब आपके लाइब्रेरी 2.0 हो रही है, पैटर्न 2.0 हो रहे हैं, तो यकीनन वहाँ पे सोशल कंप्यूटिंग बन जाती है, सोशल सॉफ्टवेयर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज होती हैं वो सोशली काम कर रही होती हैं, लिमिटेड नहीं होती। ओपन एक्सेस आप कैसे देंगे, ओपन एक्सेस किस चीज़ों का देंगे, अपने जर्नल्स का, अपने आर्काइव्स का, अपने जो है ई प्रिंट आर्काइव्स का, अपने स्कॉलरली आर्काइव्स का। यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है, ये यकीनन क्वेश्चन नहीं आएगा कि इन्फॉर्मेशन लैंडस्केप को डिफाइन करिए, यकीनन नहीं आएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन लैंडस्केप है क्या, इन्फॉर्मेशन किस तरह की आती है, कहाँ से ली जाती है, वहाँ पे यूज़र्स कौन से होते हैं, उनको कौन सा एक्सेस दिया जाता है, किन चीज़ों का एक्सेस दिया जाता है, एक्सटर्नली सोर्सेज कौन सी होती हैं, इंटरनली हम कौन सी सोर्सेज जो है करते हैं, जनरेट करते हैं। पर उसके बाद जो है हमारे पास जब लाइब्रेरी 2.0 हो जाती है, पैटर्न 2.0 हो जाते हैं, तो वो सब किन चीज़ों से होते हैं, यकीनन सोशल सॉफ्टवेयर्स की मदद से, यकीनन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की मदद से, एक सोशल कंप्यूटिंग बन जाती है वहाँ पे, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन लैंडस्केप। अब जो है शिफ्ट इन अप्रोचेस, इसका मतलब ये है कि आपकी जो अप्रोचेस हैं वो कैसे शिफ्ट होना शुरू हो गई, ट्रेडिशनल से ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड से डिजिटल, ठीक है। सो ये जो है अब आपको समझा देती हूँ कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी थी हमारे पास, तो उसमें ये था कंसेप्ट कि वो लिमिटेड थी, रिजिड थी। रिजिड का मतलब ये है कि आप जो है अपने यूज़र्स के साथ अपना बिहेवियर रिजिड रखते थे, मजबूत रखते थे, आप उसके साथ घुल मिल नहीं जाते थे, आप अपने आप को लिमिटेड रखते थे, अपनी लाइब्रेरी को लिमिटेड रखते थे, क्लियर। और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे थे आपकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसमें आपके पास पहला तो है कैटलॉगिंग के लिए AACR2, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ कैटलॉगिंग के लिए नहीं है, AACR2 है। फिर उसके बाद हमारे पास है CCC, इसका फुल फॉर्म है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये सारे के सारे कैटलॉगिंग के कोड हैं। अब जाहिर सी बात है आप जो है अभी कैटलॉगिंग पढ़ रहे हैं, यकीनन आपने जो है इसकी हिस्ट्री से नहीं पढ़ा होगा, आपको इवन दैट ये भी पता नहीं होगा कि पहला कैटलॉग कौन सा था, किसने बनाया था, कौन सी लाइब्रेरी में है, ये भी नहीं पता होगा आपको। फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि कैटलॉग के कोड्स कौन कौन से हैं, शुरू पहला कोड कौन सा था, कौन सी जो है कहाँ पे पब्लिश हुआ था, तो वो भी आपको यकीनन मालूम नहीं होगा। तो इनको थोरली स्टडी करें, ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं आता, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ये मुझे नहीं पढ़ाना, लेकिन आपको खुद को पढ़ना है। हमने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी जब सर पे पढ़ी तो हमने वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको भी ये चीज़ें पढ़नी है कैटलॉग से रिलेटेड। कैटलॉगिंग सब्जेक्ट है आपका, तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स और कैटलॉग बनाना उस पर फोकस ना करें। हाँ प्रैक्टिकल काम है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी हिस्ट्री तो पढ़ें, कहाँ से शुरू हुए कैटलॉग, किसने बनाया पहला कैटलॉग, कौन था, कौन सी लाइब्रेरी में बना, कौन से ईयर में बना, फिर उसके बाद कौन से कोड्स आए, कोई 12-15 कोड आ चुके हैं अभी तक, मतलब जो है हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग आया, फिर AACR2 आया, कॉलोनी क्लासिफिकेशन आया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम आई, UDCI, DDCI, मतलब बहुत सारी आई हैं। तो एक आपको सीरीज में याद करने हैं ये चीज़ें। तो अब AACR2 जब हमारे पास ट्रेडिशनल लाइब्रेरी थी, तो अप्रोचेज ऐसे शिफ्ट हुई कि हमारे पास जो है ट्रेडिशनल में AACR2 स्टैंडर्ड यूज़ हुआ, उसके अलावा हमारे पास क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यूज़ हुआ CCC, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है कॉलन क्लासिफिकेशन हुआ,
फिर उसके बाद हमारे पास सीसी का मतलब है कॉलन क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद है लैबी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हमारे पास इस्तेमाल हुआ, फिर डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, फिर यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद फिर उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ये सारे के सारे एक स्टैंडर्ड हैं जो हमारी लाइब्रेरी की प्रैक्टिसेस में अपनाए जाते थे जब हमारी लाइब्रेरी ट्रेडिशनल वे में काम करती है। आप हबीब यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो वहाँ पे अभी तक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है अभी तक चल रहा है, और भी दूसरी लाइब्रेरीज होंगी जहाँ पे वो सिस्टम अभी तक अडॉप्ट किया जाता है, वो स्टैंडर्ड अभी तक अडॉप्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ट्रेडिशनल में होती थी, वो लिमिटेड होती थी, रिजिड होती थी लाइब्रेरी, आप अपने यूज़र्स को लिमिटेड एक्सेस देते थे अपनी सर्विसेज और अपनी सोर्सेज की जानब, आप जो है अपने यूज़र के साथ एक रिजिड बिहेवियर रखते थे, आप उसके साथ एक अपना एक इंटरेक्शन उसके साथ नहीं रखते थे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में। लेकिन जब हमारे पास अच्छा लेट मी ठीक है भला बाद में बताऊँगी, अब ट्रेडिशनल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो आया ऑटोमेटेड का, कि लाइब्रेरी को ऑटोमेट करना चाहिए, सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जस्ट अ मिनट टाइम कितना हुआ है जी, ठीक है, सो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में हमारे पास वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, वो लिमिटेड नहीं रही, आप जो है अपनी प्रैक्टिसेस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू हो गए, आपका बिहेवियर जो है यूज़र के साथ वो रिजिड नहीं रहा, आपने अपने यूज़र को जो है ऑटोमेटिकली सर्विसेज देना शुरू कर दी, यूज़र भी उससे खुश होना शुरू हो गया, यकीनन उसके साथ रिजिड बिहेवियर नहीं हो रहा, क्योंकि ऑटोमेटेड लाइब्रेरी वहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवनेस या इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। अब वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेट इस्तेमाल हुए, एक तो AACR2 वही अभी तक चल रहा है, ऑटोमेशन अगर हम करते हैं अपनी लाइब्रेरी की तो वहाँ पे भी AACR2 ही चल रहा होता है। उसके बाद ISO 2709 ये स्टैंडर्ड भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, किसके लिए इस्तेमाल शुरू होना शुरू हो गया, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए, टाइटल इंफॉर्मेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इन सब के लिए ये फॉर्मेट या ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट होना शुरू हो गया। ये एक फॉर्मेट है किस लिए, फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक बेटा, सो उसके बाद है CCF, ये कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये भी ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज में अडॉप्ट किया जाने लगा, मार्क भी यूज होता है, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, सॉरी भी होती है, तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड लेवल के जो फॉर्मेट्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में, क्योंकि वो थोड़ी इम्प्रूव होना शुरू हो गई है, ट्रेडिशनल से हट के है वो। फिर जब आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी आती है तो वहाँ पे इफ़िशेंट एंड फ्लेक्सिबल, लचकदार है वो, कैसे लचकदार है, आप कभी भी कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, इफ़िशेंटली काम करती है, इफ़ेक्टिवली आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, इफ़िशेंट है, फ्लेक्सिबल है, वो कैसे, इसमें मेटा डेटा आपके पास होती है, पढ़ा चुकी हूँ मेटा डेटा क्या होती है, उसके बाद आपके पास इसमें है जस्ट अ मिनट जी, इधर मेरे पास इसके जो है मैंने इसमें लिखे नहीं है क्योंकि इसमें स्पेस की नहीं थी इतनी गुंजाइश, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें इनके फुल फॉर्मेट्स, इनके फुल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना आप गूगल से देख सकते हैं। तो मेटा डाटा इसका एक स्टैंडर्ड आ गया, फिर उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी मतलब ये इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद है हमारे पास डबलिन कोर मेटा डाटा इनिशिएटिव DCMI। ठीक है, तो ये डबलिन कोर मेटा डाटा इनिशिएटिव भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास है W3C, इट मीन्स इट्स अ प्रोटोकॉल या सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस, ये होना शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है वर्ल्ड वाइड वेब है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, तो वो भी डिजिटल लाइब्रेरी में ही आ जाती है। ठीक है ना, आपको उसका फ्रीली एक्सेस मिलता है, कोई लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है कोई इंफॉर्मेशन या अच्छा
त माना तव्हां उन जी मदद सां वर्ल्ड वाइड वेब जी मदद सां उसकी मदद से आप जो है सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये W3C का मतलब है W वर्ल्ड वाइड वेब 3, इसलिए हम लिखते हैं, जब हम वर्ल्ड वाइड वेब लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास EAD इनकोडेड आर्काइवल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव। उसके बाद हमारे पास है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो ये 3 जो है ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। Z3 9.50 ये भी पढ़ चुके हैं आप। MARC 21, MARC का थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्मेट जो है वो MARC 21 हो गया। फिर उसके बाद है ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स डिजिटल लाइब्रेरी में या ये स्टैंडर्ड्स जो है आपकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, DTD जो है वो इंट्रोड्यूस या डिस्क्राइब करता है किसको, डॉक्यूमेंट को। फिर उसके बाद जो है डब्लिन कोर मेटा डेटा मतलब DCMI वो जो है वेब के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाता है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वर्ल्ड वाइड वेब, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन पब्लिकली मिलेगी, आपके लिए एक्सेसिबल होगी। ठीक है, उसके बाद है TEI, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की उनको आप मतलब एज अ यूज़र आप उनको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TEI। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है एक स्टैंडर्ड्स हैं हम कह सकते हैं। तो ट्रेडिशनल में हमारे पास ये थी, फिर ऑटोमेटेड में हमारे पास दूसरी आ गई, फिर डिजिटल लाइब्रेरी में थोड़ी अपग्रेड हो गई। तो मतलब अप्रोचेस शिफ्ट होती जा रही हैं, ट्रेडिशनल से ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड से डिजिटल लाइब्रेरी। सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी है। ऑटोमेटेड भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी आप नहीं कह सकते कि आपको ई कंटेंट्स प्रोवाइड मिलेंगे, क्योंकि ऑटोमेटेड लाइब्रेरी मतलब आपकी सारी की सारी लाइब्रेरी की प्रैक्टिसेस ऑनलाइन तरीके से या ऑटोमेटेड तरीके से हो रही हों, तो वो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी कहलाती है। वहाँ पे लिमिट नहीं होती कि आपके पास ई कंटेंट्स मौजूद हों, वहाँ पे लिमिट नहीं होती। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, वहाँ पे आपको कंटेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन मिलेंगे, आपको हाइपरलिंक्स प्रोवाइड करेंगे, आपको ई जर्नल्स ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे, आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे घर बैठे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी। नाउ कौन सी चीज़ें जो है डिजिटल लाइब्रेरी को अलग मतलब करती हैं एज ऑटोमेटेड, या हमारे पास अगर ट्रेडिशनल लाइब्रेरी उससे कैसे अलग करती हैं, कौन सी चीज़ें, तो वो अब समझा देती हूँ थोड़ी। एक तो साइट न्यूट्रैलिटी, इसका मतलब ये है कि आप जो है 3-in-1 एक्सेस एनी टाइम, माना जहाँ आप होंगे, ये चीज़ होती है कि डिजिटल लाइब्रेरी होती है, आप जहाँ होते हैं वहीं पे आपको बैठे बैठे आप जो है उसकी विजिट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ट्रेडिशनल है तो यकीनन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ बिल्कुल डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्कुल एक डिफरेंट कर देती है, डिफरेंस पैदा कर देती है इनके दरमियान। एक अलग से ही जो है इसकी जो है एक फीचर हमें दिखता है कि ये साइट न्यूट्रैलिटी है इसमें। एनीवेयर बाय एनीवन एक्सेस, कहीं भी बैठ के कोई भी उसकी एक्सेसिबिलिटी हासिल कर सकता है। जो अब जैसे हमारे जो है अभी मैंने सुना था कि सिंध गवर्नमेंट ने भी ई बुक्स की कोई वेबसाइट स्टार्ट कर दी है जहाँ पे जो आप ई बुक्स हासिल कर सकते हैं। तो यकीनन ऐसे थोड़ी है कि आप वो लाइब्रेरी विजिट करेंगे फिर ही आपको मिलेगी। आप कहीं भी हों, रस्ते में हों, जा रहे हों, कहीं किसी और सिटी में हों, आप यकीनन उसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो एनी वेयर बाय एनी वन एक्सेस, तो ये चीज़ भी इनको जो है इसका एक फीचर है। ओपनली एक्सेस मिलता है, फ्री होती है ये। फिर उसके बाद ग्रेटर वैरायटी एंड ग्रैन्युलैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। ग्रैन्युलैरिटी का मतलब है जेन्युइन फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद वैरायटी उसकी अच्छी होती है, इंफॉर्मेशन जो है उसमें अनलिमिटेड होती है। ठीक, उसके बाद मतलब आप जहाँ भी हों आपको हर जगह पर आसानी से हर तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयरिंग की बुनियाद पे भी कर सकते हैं, या आप जो है अगर वहाँ पे ई लाइब्रेरी में जाएंगे तो यकीनन
आपके लिए ये एक फ़ायदा होगा कि अगर बुक कोई भी ई फॉर्मेट में नहीं होगा तो वो आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देगा, आपको URLs प्रोवाइड कर देगा, आपको हाइपरलिंक्स की मदद से आपको उस बुक तक पहुंचा देगा कि आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो है सहूलियात हमें डिजिटल लाइब्रेरी में मिलती हैं। फिर उसका ये है कि ये अप टू डेट रखती है अपने आप को, एक तो शेयरिंग की बुनियाद पे काम करती है, दूसरा अपने आप को अप टू डेट रखती है हर तरह से। जैसे कोई नई चीज़, नया फीचर आ जाता है तो उसको अडॉप्ट करती है, अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करती है। फिर उसके बाद है ऑलवेज अवेलेबल, हर टाइम पे अवेलेबल होती है, कोई इसकी लिमिट नहीं होती, साल में 365 दिन है, फिर उसके बाद जो है वीक 24/7 आवर्स आपको जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी मिलती है, 24 घंटे 7 दिन आपको जो है उसकी एक्सेस आप उसको मिलता है, आपको आप जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि इस टाइम से इस टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, घंटों के लिए एक्सेस मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है इसको अलग करती हैं। दीज आर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिजिटल लाइब्रेरी एंड मैनुअल। इससे हमें जो है फ़र्क जाहिर होता है इन दोनों के दरमियान। ठीक है बेटा, सो ये भी एक डिजिटल लाइब्रेरीज का ओवरव्यू है कि जब आपके पास डिजिटल होती है तो यकीनन उसमें कंप्यूटिंग होता है, नेटवर्किंग होती है और कंटेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं, कौन सी क्या कहते हैं कि मैनुअल लाइब्रेरीज, तो वहाँ पे आपके पास कलेक्शन भी होती है, सर्विसेज भी होती हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिटीज़ भी होती हैं, फिर उसके बाद आपके पास कंटेंट्स भी होते हैं। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज। डिजिटल लाइब्रेरी में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जबकि सिंपल लाइब्रेरी अगर है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक बेटा, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। नाउ व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स क्या है, पहली बात तो ये, जाहिर सी बात है जब आप डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं अपनी तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं और लोग ज़्यादा अडॉप्ट भी करते हैं लाइब्रेरीज में। इवन दैट आपकी ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज में भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, लाइक कोहा, लाइक आई थिंक ग्रीन स्टोन। सो दीज ऑल आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। सो ओपन सोर्स इट्स अ फ्रेज, सोर्स रेफर टू सोर्स कोड, सोर्स का मतलब है सोर्स कोड। ठीक है, और ओपनली मतलब वो सोर्स कोड जो है, कंप्यूटर कोड जो है, जो ह्यूमन रीडेबल हो, वो आपके लिए जो है जिससे आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं, अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन को चला सकते हैं, आपके लिए एक ओरिजिन के तौर पे काम आए, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स। ठीक, ओपन रेफर्स टू टर्म्स ऑफ एक्सेस टू दैट सोर्स कोड। अब जो भी कोड होगा उसकी तरफ आपको एक ओपनली एक्सेस मिले, दैट इज कॉल्ड द ओपन सोर्स। मतलब जब आप कोई भी कहीं से भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है लेते हैं क्या नाम है कोड लेते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो आपको एक ओपनली मिले, उसकी कोई चार्जेस ना हो, उसका सोर्स कोड फ्री हो, दैट इज कॉल्ड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ सम एडवांटेजेस and disadvantages of open source software, mostly issued under an internationally accepted license. Advantage iska fayda ya kahenge iska merit ye hai ki ye acceptable hi tab hoga jab aapke paas internationally accepted license uska maujood hoga, wo issue hoga aapko tabhi aap usko adopt कर सकेंगे या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है एक्सेस टू सोर्स कोड। सोर्स कोड की जानिब आपको इससे एक एक्सेस मिलता है और आप एबल हो जाते हैं और आपको एक राइट मिल जाता है उसको मॉडिफाई या उसमें मॉडिफिकेशंस लाने का। उसके बाद है राइट टू रीडिस्ट्रीब्यूट मॉडिफिकेशंस।
इससे आपको ये भी मिलता है जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इससे आप उसमें मॉडिफिकेशंस ला करके आप दूसरे भी कम्युनिटीज़ को आप जो है वो उसका फ़ायदा दे सकते हैं। इट्स फ्री, ये भी इसका एक एडवांटेज है। नेटवर्क की जो सपोर्ट है एक्सेलेंट है, इसमें हर नेटवर्क को जो है वो सपोर्ट करता है। लार्ज एंड एंथुसियास्टिक यूज़र बेस, मतलब यूज़र्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये। जो यूज़र जिसको बहुत एक मतलब जज्बे के तौर पे जो यूज़र है वो इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड होती हैं ये, नो अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी इसमें नहीं होती। उसके बाद है इनफॉर्मल एंड अनअकाउंटेबल सपोर्ट चैनल्स, मतलब डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। सो अब इसमें मैंने कुछ जो है हाईलाइट कर दी हैं कि कौन कौन से ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं, तो ये आपको याद करने हैं कि कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद है ओपन सोर्स रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं जिनकी मदद से हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स। फिर उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, नाम है इनके, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको मुझे डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से उनके नाम हैं तो उनको मैं क्या डिफाइन करूँगी। डी स्पेस, ई प्रिंट, फेडोरा एंड कोहा, ये सारे के सारे लिनक्स है, अपाची है, टॉम केट है, ये सारे सारे जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। फिर उसके बाद है आपके पास ठीक है, फिर एक काम करती हूँ कि खैर ये तो अब इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है इनको कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से लाइसेंसेस से हम ले सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी के कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन सोर्स कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप देख लें इनको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी इस्तेमाल होती हैं। तो आई डोंट